लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने अभी कुछ निर्णय लिए हैं, अधिकृत रूप से उसकी जानकारी नहीं मिली है, पर कुछ मंत्रियों की ब्रीफिंग में यह जरूर पता चला है कि महाराष्ट्र में आज से या कल से 2 दिन का वीकेंड का लॉकडाउन और अन्य दिनों में पार्शियल लॉकडाउन ये लगाया जाने वाला है। हम लोगों को ये आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि लोगों ने इसमें सहकार्य करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता भी सरकार को इसमें सहकार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमने अपील की है कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के ड्राइव में वो मदद करे, लोगों का रजिस्ट्रेशन और लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाने का प्रयास करे ताकि इस महामारी से हम लोग जल्दी बाहर आ पाए। इसके साथ साथ हमारा मानना ये भी है कि जहां एक और लॉकडाउन की चर्चा हो रही है, वहीं सरकार ने इस बात का भी प्रबोधन करना चाहिए, उद्बोधन करना चाहिए कि यह नया स्ट्रेन कोरोना का किस प्रकार से है, इसका इफेक्ट किस प्रकार से हो रहा है, इसमें किस प्रकार से लोगों ने केयर करनी चाहिए, इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही है, इन सारी चीजों का प्रबोधन भी मैं ऐसा मानता हूं बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ आज महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर केसेस बढ़ रही है, 57,000 केसेस ये आज महाराष्ट्र में रिपोर्ट की गई है और इसके चलते बेड्स की कमी है, ऑक्सीजनेटेड बेड्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, तो सरकार ने इस पर भी चर्चा करके एक प्लान तैयार करना चाहिए कि इसी प्रकार से संख्या बढ़ती रही तो अगले 10-12 दिनों में हम लोग एक बहुत ही भयावह इस प्रकार की परिस्थिति में पहुंचेंगे। तो उसके लिए सरकार का रोड मैप क्या है, किस प्रकार से सरकार ऑक्सीजनेटेड बेड्स, किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की सेवाएं और किस प्रकार से वेंटिलेटर के बेड्स ये सरकार उपलब्ध कराएगी, इसका भी विचार सरकार की ओर से किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी ये भी मांग है कि आज ये जो लॉकडाउन और पार्शियल लॉकडाउन है, इसका बहुत बुरा असर समाज के गरीबों के ऊपर, समाज के मध्यम वर्ग के ऊपर और छोटे व्यवसायकों के ऊपर पड़ रहा है। ऐसे समय सरकार ने उनको मदद करने का विचार करना चाहिए और सरकार ने बड़े पैमाने पर उनको किस प्रकार से हम लोग मदद कर पाए, इसके बारे में कोई ना कोई पैकेज देना चाहिए। एक और मांग हम सरकार से करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर बिजली के कनेक्शन काटने का की मुहिम चल रही है। हम सरकार से मांग करते हैं, सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए की वसूली इस कोरोना काल में भी अतिरिक्त कर ली है, लोगों के कनेक्शन काट काट के कर लिए, कम से कम अब सरकार ने इसको रोकना चाहिए क्योंकि लोगों के पास व्यवसाय नहीं है, रोजगार नहीं है, कमाई का जरिया नहीं है। ऐसे समय उनकी बिजली काटना, मैं ऐसा मानता हूं कि ये सुल्तानी राज है और इसलिए इसको भी खत्म करना चाहिए, रोकना चाहिए, इस प्रकार की हमारी अपील है। देखिए संजय राउत जी या जो सारे के सारे इस सरकार के मंत्री हैं, ये जिस प्रकार की बात करते हैं, हर चीज पर केंद्र सरकार की ओर उंगली उठाते हैं। मैंने सबूतों के साथ, कागजों के साथ, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को कितनी मदद की, पाई पाई का हिसाब दिया। मैं तो मीडिया से भी अपील करता हूं कि कभी उनको पूछे इस पैसे का राज्य सरकार ने क्या किया। और मेरा मानना बहुत साफ है, जब मुख्यमंत्री हमको फोन करके अपील करते कि आपने हमको मदद करनी चाहिए और हम राजनीति से ऊपर उठकर मदद करते हैं, तो अपने फेलियर्स के लिए हर समय राजनीति करना और केंद्र सरकार की तरफ उंगली निर्देश करना, ये भी इस महा आघाड़ी के नेताओं ने।